भी करना है, वही फाइल पे भी, और अगर ये फाइलें 100 हैं तो ये 100 दफा ये काम करना है। अब ये कोड, जो एक कोड है जो बेसिकली इस फाइल पे काम कर रहा है, वही दूसरे पे चलना है, वही तीसरे पे। अब मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं क्या करूं, इसी कोड को रीयूज कर सकूं। एक तरीका है कि मैं फॉर लूप लगा दूं, लेकिन अगर मसला ये है कि वो लीनियरली नहीं है तो फॉर लूप नहीं लगेगा, सही है। अगर मैं इसको रेंडमली कहीं वो यूज हो रहा है, कोई सिचुएशन ऐसी नहीं बननी कि लूप ना लग सके, तो वो लूप नहीं लगेगा। फिर क्या तरीका है मेरे पास, सही है। फिर तरीका ये है मेरे पास कि मैं क्या करूं, इसको एक फंक्शन बना दूं और इसको फिर अपनी फाइल में जहां मर्जी यूज कर सकूं। हम जरा इसे सादा सा करते हैं, हम समझने की कोशिश करने के लिए। हम कहते हैं कि हमारे पास एक कोड है। ओ यार, हाँ दोबारा से देखते हैं। हमारा ये असाइनमेंट का प्रॉब्लम था जिसमें हमारे पास मल्टीपल फाइल्स थी। इन सारी फाइल्स में से मैंने पहले फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन निकाल के पोजीशन 1 की फाइल में रखवानी थी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। ये सारी फाइल्स में से मैंने एक ही, इसका मतलब यह है कि जो फर्स्ट पोजीशन कैलकुलेट करने वाला कोड है वो ही परफॉर्म होना था फाइल 1 पे, वही परफॉर्म होना था फाइल 2 पे, वही परफॉर्म होना था फाइल 3। तो ये एक कोड जो है ये कम अज कम मेरे अपने प्रोग्राम में 5 दफा लिखा होगा, ऐसे ही है ना, या वो लूप में होगा या 5 दफा अलग लिखा होगा, ठीक है। अगर वो लीनियरली यूज हो रहा है तो वो लूप में आ सकता है, अगर वो लूप में नहीं इस्तेमाल हो रहा फिर क्या होगा, फिर वो कम से कम 5 दफा पढ़ा होगा। तो अगर ये 100 लाइनें हैं तो ये 100 100 100 100 500 लाइनें बन जाएंगी, और ये फाइलें अगर 100 हैं तो जाहिर आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा कोड मेरा डर्टी हो जाएगा, ठीक है, कितनी ज्यादा रेपिटेशन हो जाएगी मेरे कोड में, और कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसे समझना, उसको दोबारा से अमेंड करना, मतलब उसको चेंज करना कोड में। कोई गायरा कोड तो इवॉल्व करते रहते हैं ना, जिस तरह ये थोड़ी होता है, हमारी तरह थोड़ी है कोड लिखे उसके बाद कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं हो। जाहिर अब जो सर्वर्स चल रहे हैं, जो वेब APIs हैं, वो सारे कोड क्या हो रहे हैं, वो बार बार नई नई रोज आ रही होती हैं, आपके पास फंक्शनैलिटीज आ रही होती हैं, वो सारी किस तरह होती हैं। जाहिर है वो कोड को जो बैकएंड पे लोग बैठे होते हैं, जो उस एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं, वो जाहिर है उसे इम्प्रूव करते रहते हैं, ठीक है। अब विंडोज है आपकी, अब देखें कहाँ से शुरू हुई और देखें अब कहाँ पे, हर कुछ साल बाद एक नया वर्जन आता है, वो कैसे आता है, उसमें जाहिर है नई चीजें होती हैं, कुछ ऐसे ही है ना। तो जो कोड डर्टी कोड है जिस तो इस तरह है, एक उसको समझना उसकी रीडेबिलिटी का मसला है, फिर उसको समझना मुश्किल, फिर उसे करना, उसका साइज इतना बड़ा हो जाता है, जहाँ पे जाहिर है 100 से जुड़ी 200 लाइनें होती हैं, आपको अपना कोड ही समझ आना बंद हो जाता है, ऐसे ही है ना। यस सर, तो ये है सारी कहानी। तो अब हम देखते हैं क्या हल क्या है इसका। मैं एक सादा सा जो है वो क्या कहते हैं, एक कोड करते हैं सम का, सादा सा कोड, ठीक है। तो सम में होता क्या है, इसी को ले आते हैं ताकि हमारा वक्त बच जाए। ओह माशाल्लाह, इसको हम समझने के लिए, ऐसे ही सिर्फ समझने के लिए हम ये देखेंगे कर रहे हैं। हमने कहा कि हमारे पास ये एक सम का कोड था, ठीक है, ये कुछ वेरिएबल्स बनाए मैंने ऐसे करके। अब हो क्या रहा है, जाहिर है ये क्या होगा, सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2, ऐसे ही है ना। अब मैंने अगर अपने कोड में ये वाला जो सेक्शन है ये अगर 10 दफा यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारा कोड है ये जो है ये क्या होगा, एक दफा फिर नीचे आ जाए, फिर जितनी दफा इसे यूज होना है ये सारा पेस्ट होता जाएगा, ऐसे ही है ना। इट्स द सेम कोड, इट्स द सेम कोड, इट्स द सेम कोड, यही प्रॉब्लम है ना, राइट। तो इसका क्या हल है, इसका हल ये है कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस इसका हल है, कि आप अपने कोड का जो हिस्सा या तो बार बार यूज हो रहा है, एक इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी रखता है, उसको उठा के फंक्शन बना लें, सही, बात समझ आ रही है, ठीक है।
सर एक बार फिर बता दे सर, आपकी आवाज लैग हो रही थी सर। रिपीट कीजिएगा। ये समझ आ गई ना कि क्या कर रहा हूँ मैं? इसी चीज को अगर मैंने सब सर, बार, ये समझ आ गई सर। बार बार करना है तो ये मेरा सारा कोड रिपीट हो रहा है। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि भाई मैं ये जो कोड रिपीट हो रहा है इसको एक दफा ही लिखूं? ठीक है, इसको मैं कहीं पे फंक्शंस हमें हेल्प इस तरह करते हैं कि इस कोड को आप एक फंक्शन बना दें और उसके बाद हर बार जब आपने इस कोड को यूज करना है तो आप क्या करें, इसको कॉल कर लें और ये यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हम जरा देखते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एक है सम का। हमने क्या करना है, सम करना है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सम का फंक्शन बनाना चाहता हूँ कि मैं उसको सम को दो नंबर पास करूं और वो मुझे सम कर दे। करना क्या चाहता है कि सम का, सम फंक्शन, मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूं दैट रिटर्न द सम ऑफ टू नंबर। ठीक हो गया, टू नंबर। तो इसका मतलब यह है कि इस फंक्शन को दो नंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इस फंक्शन को दो नंबर मिलेंगे और वो क्या कर देगा, वो उसका सम रिटर्न कर देगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? यस सर। अगर हमने, तो फंक्शन अगर हमने लिखना है तो हमने क्या करना है, हमें बताना है, ये कोड लिखना शुरू किया हमने। ठीक है, यहाँ हमने बताया इसके स्पेलिंग गलत है। यार छोड़ दे तो बात है। यहाँ हमने बताना है फंक्शन को क्या करना है, डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो ठीक है, कैसे होगा? सबसे पहले बताना है कि फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या बताना है, इट्स रिटर्न टाइप। इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी? फिर बताना है इस फंक्शन का नेम क्या होगा? फिर बताना है इस फंक्शन के लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। सर रिटर्न टाइप सर थोड़ा डिफाइन करें सर, रिटर्न टाइप होता क्या चीज है सर? अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। ये क्या है, एक फंक्शन बनाना है जो रिटर्न करता है सम। तो इसका मतलब ये है कि सम, सम को क्या मिलेगा, दो नंबर मिलेंगे। ये जो दो नंबर हैं ये इसके लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स हैं, ये इसको पैरामीटर मिलेंगे। सही, ये दो नंबर इसके पैरामीटर्स हैं। ये सम क्या है, ये इसका रिटर्न है और जाहिर है एक नाम होगा फंक्शन का। ठीक है, बात क्लियर है यार? हाँ साहब ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखते हैं बनाए इसका। ये फंक्शन दो इंटीजर का अगर फंक्शन है तो इस फंक्शन का सम क्या होगा, रिटर्न टाइप क्या होगी? अगर ये दो नंबर का इसने सम और दो इंटीजर का इंटीजर होगी तो इसकी रिटर्न टाइप होगी इंटीजर। इसका नाम क्या है, नाम जो मर्जी रख लें, पकौड़ा रख लें। मिशन मैंने इसका नाम रख दिया एडिशन। और इसके कितने पैरामीटर हैं, इसके एक इंटीजर और एक दो इंटीजर, ये इसके पैरामीटर। इसे कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। दिस इज द डिक्लेरेशन। और ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है ये बेसिकली क्या है, ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। तीन चीजें हैं इसकी, नंबर वन इज रिटर्न टाइप, नंबर टू इज इट्स नेम, नंबर थ्री इज लिस्ट ऑफ पैरामीटर। अब ये इंटीजर हो, फ्लोट हो, ये दो हो, ये चार हो, कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ गई आपको? Yes, sir. सर फंक्शन का डेटा टाइप हम लोग सर इंट एडिशन में डिफाइन कर देंगे ना सर? जी बेटा। सर अगर हम लोगों ने फंक्शन का डेटा टाइप अगर हम लोगों ने डिफाइन करना होगा तो हम लोग इंट एडिशन में डिफाइन कर देंगे सर? नहीं नहीं, ये अगर अगर करेक्टर होगा तो अगर सम लेना है फिर एडिशन में करेंगे, अगर सम लेना है फिर एडिशन में करेंगे। ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। अभी सिर्फ हम क्या कह रहे थे, हमने एक फंक्शन बनाना है जो हमें सम करके दे, बस। ठीक है, हम अब फंक्शन, जाहिर है फंक्शन सिर्फ हमेशा सम तो नहीं करेगा ना, फंक्शन तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना? यस सर। फ्रैक्शन का बन सकता है, डिवीजन का बन सकता है, मल्टीप्लिकेशन का बन सकता है, किसी का भी बन सकता है।
जी सर। सर हमारे पास उसमें लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स में लिमिट होती है कि इतनी ही लिस्ट आ सकती है, फिर लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ कि हमारे पास 10 नंबर का सम करना है, तो हमारे पास लिस्ट ऑफ पैरामीटर में कोई लिमिट तो नहीं होती ना कि आप 8 ही दे सकते हैं या नहीं? सच एज सच कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना? ओके ठीक हो गया ना? हाँ लल्ले समझ आ रही है? यस सर। नहीं वो किधर है, वो खान साहब कुछ कह रहे थे, उनको समझ आई है वो क्या कह रहे थे? यस सर समझ आ गई सर। ठीक हो गया ना? तो अभी हमने क्या किया, इसको डिक्लेयर कर दिया, मैं मेन में आया। अब हमने क्या करना था, इस जाहिर है अभी मेन क्या होगा वो हम देखते हैं, मेन क्या होगा ठीक है ना, मेन क्या होता है वो हम देखते हैं, मेन वही होगा जो आपका होता है। अब ये जो एडिशन है इसको हमने डिफाइन करना है यार, इसमें क्या क्या होगा तो इसको डिफाइन करना है। ये मेन के बाद कहीं पे आप इसे लिखते हैं, हमने इसे डिफाइन किया, वही लिखा ए डबल डी एडिशन क्या है। अब यहाँ पे मैं इसके नाम भी देता हूँ, मैंने कहा ए है, ये है, बी है, ठीक है, और इसको दो पैरामीटर्स मिलेंगे। ये ए और बी की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये जब मैं कॉल करूंगा तो तब पास करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने क्या किया यहाँ पे क्या किया, एक बनाया एंट रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाया, क्या किया रिजल्ट में क्या किया ए प्लस बी किया, और रिटर्न क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ये है मेरी फंक्शन की डेफिनेशन, दिस इज बेसिकली माय फंक्शन ये क्या है, ये मेरा वो फंक्शन है ये जो ये करेगा, ये क्या करेगा जब इसे कॉल किया जाएगा क्या करेगा। अब आते हैं हम अपनी मेन में, मेन में क्या है, ये फंक्शन बन गया ना, ये फंक्शन बन गया है, अब ये बस इसको जहां मर्जी आप इस्तेमाल करें। तो मैं फिलहाल अपने मेन में आना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। मैं मेन में क्या करता हूँ, मेन में बस मुझे क्या करना है, इसको दो नंबर भेजने हैं, ये सम रिटर्न कर देगा। मेन में क्या करना है, इसे क्या करना है भाई, दो नंबर भेज, मेन में दो नंबर भेजने से, और ये क्या करेगा, ये उन्हें सम कर देगा। हम आ जाते हैं अपने मेन की तरफ, ये नहीं जी ले जी, ये हमने जी मेन लिखा, एक नंबर क्रिएट किया, सम बनाया, दो नंबर ले लिए, ये है हमारा एक्चुअल, दिस इज बेसिकली द फंक्शन कॉल। कैसे होती है फंक्शन कॉल, फंक्शन का नाम लिखा और जो इसे पैरामीटर पास करने वो पैरामीटर पास कर दिए। ये जो नम वन है ये चला जाएगा ए में, ये जो नम टू है ये चला जाएगा बी में। नाम जो है, नाम मुझे यहां से, नाम जो ही मैं इसका नाम लिखूंगा, नाम मुझे जंप करवा देगा इस लाइन से इस फंक्शन डेफिनेशन पर। वेयर एवर यू कॉल द फंक्शन होगा क्या, वहां से आपका एग्जीक्यूशन जंप होगी उस फंक्शन पे चली जाएगी। बात समझ आ रही है लाइब्रेरी यार अभी छोड़ो उसे, छोड़ो अभी सिर्फ अपने प्रोग्राम में रखो उसे, तो प्रोग्राम में कैसे, ये तो सीख लो कि इसको फंक्शन प्रोग्राम में कैसे यूज करना है, ठीक है ना सर? ये इसका रिजल्ट तो जो सम करके रखेंगे वो तो हमें रिजल्ट के अंदर पड़ा हुआ है ना, तो आप रिजल्ट को कॉल नहीं करेंगे? यही तो मजा है, यही तो बात है,
होता ये है कि आपको पता है आपके कोड का एंट्री पॉइंट क्या है मेन, ठीक है। अब आपके पास टोटल कितनी चीजें हैं, आपके पास एक फंक्शन की प्रोटोटाइप है, फंक्शन डिक्लेरेशन है, ठीक है। एक आपका क्या है फंक्शन कॉल है, और एक क्या है फंक्शन की डेफिनेशन है। ये आपकी फंक्शन डेफिनेशन है, ये आपकी फंक्शन प्रोटोटाइप है जो मेन से ऊपर लिखी हुई है, ये आपकी क्या है फंक्शन कॉल है। फ्लो क्या है, फ्लो ये है आपका प्रोग्राम चलना शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कौन सी होती है, मेन, दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर कोड। ये चलना शुरू हुआ, एक नंबर दो नंबर, जो ही ये हिट किया है किसे, फंक्शन कॉल को। फंक्शन कॉल कैसे होती है, फंक्शन का नाम और वो लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स जो फंक्शन को ने जिन पे ऑपरेट करना है, जो वैल्यूज, वो डेटा ऐड करना जो ऐड होने। अब एडिशन के केस में क्या है, वो दो नंबर जो फंक्शन ने ऐड करने हैं। बात समझ आ रही है? जी सर। यस सर। वो दो नंबर जो फंक्शन ऐड करेगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होती तो वो दो नंबर्स जो सब्ट्रैक्ट होने थी, अगर ये पांच नंबर्स की एवरेज निकालने का फंक्शन होता तो यहाँ पे वो पांच नंबर होते जिनकी जिनसे एवरेज निकलनी थी, ठीक है ना। यहाँ पे अगर अरे सर्च करने का कोड होता तो यहाँ पे वो पैरामीटर होता जो बेसिकली अरे होती, ताकि जिसमें से वो सर्च करके निकालता नंबर है या नहीं है। बात समझ आ रही है आपको? यस सर। आपको समझ आ रही है? सर हाँ, तो मतलब अरे का भी थोड़ा सा आइडिया दे दें कि अरे का फंक्शन कैसे बनेगा। सब कुछ भी हो सकता है, अभी ये अरे पे भी आते हैं, ठीक हो गया। अब क्या हुआ, जो ही मैंने कॉल पे पहुंचा, अब नीचे वाली इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी, ठीक है। यहां से ये जंप होगा अपनी फंक्शन डेफिनेशन पे, ठीक हो गया। पहला क्या है, कोड चलना शुरू हुआ, जो ही कॉल को हिट किया, ये कॉल बेसिकली जंप है टू द फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन पे आया। जो पहले पैरामीटर पास किया हुआ था वो इसके पहले में आ जाएगा, जो दूसरे में वैल्यू पास की हुई थी वो दूसरे में आ जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है, ये कोड चलेगा, ये रिटर्न जो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को लेके कहां पे आ जाएगा, इधर सी आउट पर सर, ठीक है। और यहाँ मैंने असाइनमेंट लगाई लिया, जो भी रिजल्ट आएगा, जो बेसिकली क्या रिजल्ट क्या है, रिजल्ट बेसिकली क्या है, एक इंटीजर वैल्यू जो के रिजल्ट में पड़ी हुई असाइनमेंट की हुई है, तो ये जो इंटीजर है ये असाइन हो जाएगा किसे, सम। अगर असाइन नहीं करता जाहिर है ये लूज हो जाएगा, ठीक है सर। थोड़ा ट्रिकी है सर। कोई ट्रिकी नहीं है भाई, मैंने असल में ट्रिकी बना दिया, ट्रिकी कोई नहीं है, दोबारा करते हैं। कोड चलना शुरू हुआ, फंक्शन कॉल हुई, जो ही फंक्शन कॉल होगी फंक्शन चलेगा, रिटर्न वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। आसान हो गया? यस सर। फंक्शन जब जब फंक्शन कॉल होगा फंक्शन चलेगा और उसकी रिटर्न वैल्यू इधर आ जाएगी। अब आपने यहाँ पे सम किया हुआ तो इसकी वैल्यू सम में चली जाएगी, यहाँ पकौड़ा लिखा हुआ तो पकौड़ा चली जाएगी। बस यू हैव टू मेक श्योर कि भाई इसका रिटर्न क्या है, अगर इंटीजर है तो ये जो है ये सम क्या होना चाहिए, इसकी टाइप क्या होनी चाहिए, इसकी टाइप भी इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर सादा सी बात है। सर वो फर्क तो नहीं पड़ेगा कि अगर हम लोग उस फंक्शन के अंदर ही इनपुट ले उससे? यार असल में ना लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ना मुझे ये पसंद नहीं है। देखो फंक्शन है सम करने का, उसमें सिर्फ सम होना चाहिए। अगर ये फंक्शन इनपुट का होता ना, मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो एक और फंक्शन बना देता हूँ, ये देखो और आसान करते हैं, देखो ये मैंने यहां से उठाया, एक और फंक्शन बनाया है यहाँ पे,
उसकी रिटर्न टाइप, यार ये थोड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा यार वो बाय रेफरेंस, ठीक है समझ आ गई, वो बाय रेफरेंस करना पड़ेगा। वो बाय रेफरेंस करना पड़ेगा उसमें, असल में ना ये आपको भी बताते हैं क्या होगा, ये बनाना पड़ेगा सही। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, कॉल करूँगा किसे, इनपुट के फंक्शन को क्या पास करूंगा, नम वन और नम टू ये पास करूंगा। और यहाँ पे मैंने जाहिर है एक और फंक्शन लिखा होगा जो बेसिकली जिसकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, क्योंकि यार दो चीजें रिटर्न नहीं हो सकती है, बात समझ आ रही है या? भाई आपने int address a क्यों लिखा है? असल में ना अब एक और बात आ गई, देखे ना इससे एक और बात पैदा हो गई है। ये मेरा दूसरा फंक्शन है, ठीक है ना, ये भी कोड में कहीं पे होगा जाहिर है, इस तरह तो नहीं होगा। अब सुने ये बात समझ आ गई, एक फंक्शन की प्रोटोटाइप है ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इसका नाम क्या है, उसके लिस्ट ऑफ पैरामीटर क्या है ठीक है। फिर एक फंक्शन कॉल है जो इस फंक्शन को इनवॉक करती है, जो इस फंक्शन को चलाती है, जो इस फंक्शन को हिट करती है कि भाई चलो आई एम कॉलिंग यू। जो ही ये कॉल होती है ये फंक्शन चलना शुरू होता है और इसने जो भी परफॉर्म करना है वो प्रोसेसिंग करता है उन पैरामीटर्स पर जो इसे पास किए जाते हैं, और इसका अगर कोई रिजल्ट है तो ये रिटर्न हो जाता है। रिटर्न वैल्यू जहां पे कॉल की होती है वहां मुझे मिल जाती है, और उसको मैं क्या करता हूँ, कहीं पे असाइन करवाना हो अगर आगे मैंने कहीं स्टोर करना तो मैं किसी वेरिएबल में असाइन करवा दूं, अगर मैंने इसे सिर्फ सी आउट करना है तो डायरेक्ट सी आउट करवा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक होगी बात। अब होता क्या, ये जो सम है ये नम वन है, मैंने कहा कि ये नम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और ये नम टू किसे मिल रहा है, इधर मिल रहा है। नाउ दिस नम वन एंड दिस दे आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, आपको पता है a and num1 are two different variables with the same value, ये ना num1 में जो वैल्यू है वो किसे पास हुई है, a में, num2 में जो वैल्यू है किसे पास हुई है, b में, पास समझ आ रही। मैं इसका नाम ये भी रख सकता हूँ, ये देखिए मैं इस a का नाम num1 भी रख सकता हूँ, इस b का नाम num1 भी, num2 भी रख सकता हूँ, बात समझ आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? yes sir, मुश्किल तो नहीं हो गया? हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ मेरी लाइबा, हाँ मास कैफ किधर है सब? यस सर मुझे तो आ रही है, मैं इधर ही हूँ, बोल ही जा रहा हूँ साथ साथ। हाँ बेहतरीन नवाल बेटा, आ रही है घर इधर ही है। Here, sir. नहीं समझ आ रही तुम्हें ना? सर आ रही है, माइक का मेरा कल से बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है, कल भी मेरी क्लास में माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। तुम्हारा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था या मेरा नहीं हो रहा था, मुझे अनम्यूट कर रही हो? नहीं सर आपको क्यों करना है? अच्छा तुम्हारा अनम्यूट नहीं हो रहा तो बस तुमने बात कर ली है तो मैं अनम्यूट कर देता हूं और तुम्हारा तुम्हें म्यूट कर देता हूं। किसे कह दी? हम नहीं अनम्यूट होना तो ना अनम्यूट रहो, बस बोल रहे हो, सवाल है तो पूछ रहे हो। ओके सर। हाँ तो ये है जनाब फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है? यस सर। फंक्शन को एक दफा आपने फंक्शन बना लिया, प्रोग्राम के अंदर तो फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं ना लिखनी, हमने तो सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन लिखनी है। नहीं नहीं ये प्रोटोटाइप लिखनी है भाई, तो जैसे ये लिखा वैसे ही वैसे जाहिर है भाई लिखना है ना, ये तो मेन से पहले बताना पड़ेगा ना कि ये फंक्शन बन रहा है, ये इसकी रिटर्न टाइप है, ये नाम है और ये दो है, ताकि उसको ये पता लगे ना कि जो ही जहां अगर इसको मैंने मेन में कहीं पे कॉल किया हुआ तो उसे पहले ही पता हो कि भाई ये एक फंक्शन है। ये देखें अगर मैंने इसे पहले नहीं बताया हुआ तो ये
फंक्शन डिक्लेयर करना जरूरी है यार, ये ऐसे ही है ना कि अगर आपने यहाँ पे num1 को डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ आके यूज कर लिया तो वो बेचारा क्या कहेगा, वो कहेगा भाई num1 क्या है पहले बताओ तो सही मुझे, why this ये कुछ भी हो सकती है, नाम कुछ भी हो सकता है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर कोई भी हो सकती है। नहीं बेटा बताना है ना कि जो जो आपके वेरिएबल जो आपने जो बेसिकली इसे पैरामीटर्स उनकी टाइप बतानी है ना यहाँ पे, ए भी तो मैंने नहीं लिखा, जो मर्जी लिखो जब डिफाइन कर रहे हो तब जो मर्जी लिखो, जाहिर है ये वो वेरिएबल्स होंगे जो आपको रिसीव होंगे और जाहिर है ये जो यूज होंगे आपके इसमें, यहाँ जो मर्जी लिखो, यहाँ पे ए बी सी लिखो, इसे क्या कर दो एक्स वाई जी कर दो, लेकिन अब ये क्या होगा, ये ए बी सी वेरिएबल है और ये क्या है, ये एक्स वाई जी है, समझ आ रही है। देखो जब ये पैरामीटर्स मैंने कॉल में जो पास किया num1 और num2 पास किया है, जाहिर है ये num1 और num2 इस मेन के बाहर तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, एग्जिस्ट नहीं करते, ये पास होंगे, जब ये पास होंगे तो जाहिर है जब ये पास होंगे तो जाहिर है इनको इनकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेरे को वेरिएबल तो चाहिए ना, जिस तरह आप कीबोर्ड से इनपुट लेते हो, जब सी इन कोई इनपुट देते हो तो जाहिर है खाली सी इन थोड़ी करते हो, आगे कोई वेरिएबल लिखते हो ना कि जो पास जो आपको कीबोर्ड इनपुट हो रही है वो इसमें स्टोर हो जाए, ऐसे ही ना। फिर इसी तरह आपको जो वैल्यू मिल रही है उसके लिए कोई कोई कंटेनर तो होगा ना जहां पे वो आके स्टोर हो, ठीक है भाई। यस सर। तो ये हमने यहाँ पे कहीं पे ये देखे, ये कोड है एग्जैक्टली वही कोड है, मैंने क्या बनाया इंट एडिशन के नाम से ये फंक्शन बना पड़ा है, सही है, ये नंबर एंटर हो रहे हैं, ओह ये मैंने दिखाया हुआ था, ये देखें ये क्या है, दिस इज बेसिकली द सम, यहाँ पे सी आउट कर दिया, ठीक हो गया, ये मेरा जो ऊपर मैंने डिक्लेयर किया है वो इंटीजर किया है तो जाहिर है ये भी इंटीजर होगा, मैंने यहाँ पे सेम नाम रखा हुआ है वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम नाम है, सर वर्ड से क्या होगा सर जो आपने वर्ड एडिशन लिखा था सर, वर्ड का मतलब है नो रिटर्न टाइप, This function will return nothing. Void का ही मतलब होता है ना भाई, void का और क्या मतलब होता है, ठीक हो गया। इसको भी इग्नोर कर देंगे जो भी है, ठीक हो गया। फंक्शन डिक्लेयर किया, बताया दो दो पैरामीटर रिसीव करेगा इंटीजर टाइप के, फंक्शन कॉल किया जो दो पैरामीटर बताया था कि ऊपर दो पैरामीटर्स होंगे, ये पहला पैरामीटर है या दूसरा पैरामीटर है, इसमें num1 वैल्यू है इसमें num2 की वैल्यू है, ये चला जाएगा किधर, ये मैंने एबीसी रखा था, सेम नाम भी रख सकते हैं क्योंकि ये दूसरे ये स्कोप अलग है, ठीक है ना, चाहे यहाँ पे एबीसी पकौड़ा जो मर्जी रखें नाम एक भी रखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि दिस इज द डिफरेंट स्कोप, बट दिस num1 इज at a different memory location, this num1 is different, this num1 is different, these both of them have different memory locations, both of them have different spaces, theek hai na, baat samajh aa rahi hai, yes sir, theek
ये सिर्फ पास कर रहे हैं, ये नंबर की वैल्यू पास हो रही है इसमें, यहाँ पे बेशक आप ए रख दें, यहाँ पे आप बेशक बी रख दें, ये पास हो गई इसमें, ठीक है। बी में नम टू पड़ा हुआ है और ए में नम वन पड़ा हुआ है, सही है ना? सही। ये जो आपने int addition लिखा हुआ है सर, अगर हम इसको int main के अंदर कर दें तो कोई सर एरर आएगा? भाई यार main से ही तो निकाल रहे हैं। नहीं नहीं सर, ये जो आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ फंक्शन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो ऊपर जो डिफाइन किया हुआ, yes, मतलब जो प्रॉब्लम लिखी हुई है। जी सर। ये जो आप कह रहे हैं, ये जो किया हुआ, यस सर, यार मैं अंदर करूंगा तो यहाँ पे करूंगा तो इसकी एक्सेस होगी मेन के बाहर? नहीं सर, बिल्कुल सही सर, ठीक ठीक सही समझ आ गई। ये ग्लोबल है ना, क्योंकि ये मेन का पार्ट नहीं है। जी जी सर, समझ आ गई। तो अब मैं अगर इसे चलाता हूँ तो देखें क्या होता है। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। सम कहाँ पर रिटर्न हो रहा है? ये, ठीक है। मैं अगर इसका, जी जी दो क्वेश्चन जनाब। कहाँ पे? जी 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 बताना पड़ेगा। और साथ वेरिएबल का नाम भी है, ये देख रहे हैं इन दोनों में फर्क देख रहे हैं? यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी है। ये सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ये अब यहाँ पे वर्किंग शुरू हो गई है। ये वेरिएबल का नाम भी देना पड़ेगा ताकि स्टोर हो सके। खाली इंट में तो कुछ स्टोर नहीं होगा ना। ये वेरिएबल का नाम बताऊंगा तो ये नम को इस वेरिएबल में रखवाएगा ना, और नम टू को इस वेरिएबल में रखवाएगा। समझ आई यार? यस सर। देखें जी, सही हो गया यार। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे सी आउट करवा दूं, तो ये रिजल्ट पहले प्रिंट होगा या सम पहले प्रिंट होगा? क्या पहले प्रिंट होगा सर? रिजल्ट। एक्सीलेंट सर, रिजल्ट होगा, फिर वो रिजल्ट रिजल्ट वाला सामान उधर सामने जाए। मैंने क्या किया, मैंने ये जो रिजल्ट है ये यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ, ये प्रिंट करवा रहा हूँ। तो अब ये रिजल्ट पहले प्रिंट होगा या ये जो सम है ये पहले प्रिंट होगा? सर रिजल्ट, क्योंकि सर हम लोगों ने सर ऊपर से जंप किया हुआ नीचे सर। बिल्कुल, हमने जंप किया और ये सारा चलेगा, ये जब चल रहा होगा तो ये सी आउट भी कर देगा। तो अब ये करके देखते हैं, चला के देखते हैं। और दोनों में वैल्यूज क्या पड़ी होंगी सर? नम वन नम टू सर, दोनों में सेम वैल्यू पड़ी होगी या डिफरेंट वैल्यू होगी? रिजल्ट में सेम, रिजल्ट और नम इनकी वैल्यू सेम होगी। एक्सीलेंट, सेम होगी, ठीक है ना। अब रिजल्ट में भी 50 पड़ा होगा और सम में भी 50 पड़ा होगा, ये भी। और रिजल्ट पहले प्रिंट हुआ, सम बाद में प्रिंट हुआ, दोनों में 50 पड़ा हुआ। क्लियर है बात? यस सर। अब मैं कहता हूं नाम अगर मैं एक भी रख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों मुख्तलिफ हैं, ये दोनों क्या है, मुख्तलिफ हैं। तो इसका मुझे कैसे पता लगेगा? ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ ना यहाँ पे, इसको मैं यहां से उठाता हूं, यहां पर उठाता हूं, इसको यहां उठाता हूं, इसे मैं यहां पर रखता हूं, सही, बल्कि यहां पे, ये देखिए
ये क्या करेगा, ये बेसिकली ये देखें डॉलर लिखा हुआ मैंने, ये नम वन का एड्रेस प्रिंट कर देगा और ये नम टू का एड्रेस प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये फंक्शन में नहीं है, ये बेसिकली कहाँ पे है, ये मेन में, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह यहाँ भी कर देता हूँ, ये मैं हटा रहा हूँ, सब खत्म कर रहा हूँ, इसको वॉइड कर देता हूँ। सिर्फ मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये जो नम वन, ये नम वन वहां है और जो यहाँ है, क्या ये दोनों, क्या ये दोनों सेम ही वेरिएबल है या मुख्तलिफ है, ठीक है। यस सर, डिफरेंटली है जी बेटा, टाइम हो गया सर, जाओ यार जाओ, फिर टाइम हो गया तो जाए। सर वो डिफरेंट एड्रेस में सेव होगी क्योंकि वो एक एड्रेस में सेम तो सेव नहीं हो सकते। बस ये सर देख है, ठीक है ना, ये नम वन और नम, ये देखें सर दोनों का सेम एड्रेस है सर, खबर तो कर यार, दोनों का सेम एड्रेस है। व्हाट जी क्या हो रहा है, पहले ये चलेगा ना फंक्शंस नम वन चलेंगे फिर उसके बाद, ना देखें जी सेम एड्रेस है ये नम वन नहीं, नो सर नो सर, नाम एक ही है लेकिन नाम एक, देखो क्या मैं मेन में नम वन का एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ डिक्लेयर, नहीं नहीं कर सकता। यहाँ पे क्यों कर सकता हूँ, ये है स्कोप, बेसिकली स्कोप अलग है तो इस स्कोप में आप जो मर्जी नाम रखें, ठीक है ना। हाँ इधर ही आप एक और नम वन का नहीं वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते अंदर जाके, लेकिन अगर एज लॉन्ग एज स्कोप इज डिफरेंट इट डजंट मैटर कि यार ये नम वन है और ये भी नम वन है, बट वन थिंग वी सो मेन की वेरिएबल फंक्शन के वेरिएबल से अलग है। हाँ ये हमें जरूर पता होनी चाहिए बात कि भाई ये दोनों जो हैं वेरिएबल्स ये अलग अलग हैं, और इसकी रीजन क्या है, ये देखें दोनों अलग मेमोरी प्लेस पे पड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि दो डिफरेंट है, ये डब्बा अलग है नम वन वाला जो मेन में है, ये डब्बा अलग है, इसके अंदर अलग वैल्यू पड़ी हो सकती है, इसके अंदर अलग वैल्यू पड़ी हो सकती है। अब मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे मैं नम वन करता हूँ, इस नम वन को कर देता हूँ सो, और इसे सी आउट करवाता हूँ यहाँ पे, नम वन वैल्यू इक्वल्स टू नम वन, ये वैल्यू मैं इसे यहां पे प्रिंट कराता हूं, और यहां पे नम वन को कराता हूं 200, तो क्या आएगा, दोनों की वैल्यूज अलग अलग आएंगी क्योंकि हमें तो पता है ना एक वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू है ना, क्या कह रहे हैं शैडोज ऑफ पैरामीटर बड़ा वाला, ये सर वो नाम सेम, वो नाम तो वही है ना, ये तो नाम है, असल में ये दोबारा डिक्लेयर हो रहा था,
दिस इज द नम वन, दिस इज नम वन, एक नम वन कौन सा है, ये फंक्शन वाला है, ये मेन वाला है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है, अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, अगर एक होते तो एक ही वैल्यू स्टोर होती, दूसरी वैल्यू ओवरराइट हो जाती, तो दीज टू आर डिफरेंट वेरिएबल। चलें यार अब इसको थोड़ा सा फंक्शंस का शायद थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए, हो गया हो आपको, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको जरा और देखेंगे। सर फंक्शन ज्यादा आसान है फाइल से? फंक्शन तो बहुत आसान है यार, ये सिर्फ एक क्या है आपको पता है, ये डिक्लेरेशन है, ये कॉल है, और ये फंक्शन कोई नई चीज थोड़ी है, तो वही है, इसमें कोड बदल, अगर रिटर्न टाइप नहीं है इस फंक्शन की कुछ, अगर वैल्यू रिटर्न नल होता है, वो बेसिकली वो टाइप void है। तो सर हम इन केसेस में यूज करेंगे अगर हमने कोई क्या कहते हैं इसके अंदर कोई वेरिएबल का रिजल्ट नहीं रिटर्न करवाना ऊपर में, जिस तरह बेटा मैं